दोस्तों मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि गिववे का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों गिववे का जो रिजल्ट है वो मैं 10 तारीख से पहले या फिर 10 तारीख को मेरे इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा। जो भी विनर होगा वहां पे आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर मेरा यूजर नेम है TechnoNews23, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पे मुझे फॉलो कर लेना, जब भी कोई भी विनर बनेगा वहां पे अनाउंस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे मेन मुद्दे के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों GTA 5 को आप अपने PC में या फिर लैपटॉप में कैसे खेल सकते हैं उसका Part 2। ऑलरेडी दोस्तों मैंने इसका Part 1 बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की, तो इस वीडियो को जाके देख लेना ताकि आपको पता चल जाएगा कि पहले पार्ट में हमने क्या सिखाया है। अब बात करते हैं इस Part 2 के बारे में। इसमें भी दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें आपको सिखाई है जो कि आपको सीखनी चाहिए अगर आप लोग GTA 5 खेलना चाहते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। और दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आप चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाउ टू प्ले GTA 5 इन PC एंड लैपटॉप, इसका दोस्तों Part 2 आ चुका है। ऑलरेडी हमने इसका Part 1 बनाया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने दोस्तों बेसिक सी चीज़ें सिखाई है कि कैसे आप लोगों को चलना है, कूदना है, वो सारी चीज़ें मैंने उस Part 1 में बताई। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आप लोगों के बहुत ही काम आएगा। अब दोस्तों ये है इसका Part 2, जिसमें भी हम सीखेंगे कि GTA 5 को खेलना कैसे है। तो पूरा देखना इस वीडियो को, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 10 चीज़ें कवर की है, 10 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग GTA 5 को खेल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इसमें दोस्तों हमने वेपन यूज़ करना नहीं सीखा है, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी वेपन नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने डिसाइड किया है कि इसका Part 3 भी जल्दी ही आएगा। अगर आप लोग इसका Part 3 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन इसका Part 3 देखना चाहते हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों और भी चीज़ें कवर करेंगे जो हमने Part 1 और Part 2 में नहीं कवर की, जैसे कि वेपन कैसे यूज़ करना है, ग्रेनेड कैसे फेंकना है, मॉली कैसे फेंकना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को Part 3 में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो पे दोस्तों मैं 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ, 500 लाइक का, जो मेरे सभी भाई लोग जरूर कर देंगे। 500 लाइक कर देना तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस लाता रहूँगा, और लाता भी हूँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब दोस्तों हम जानते हैं इसके Part 2 के बारे में कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग गाड़ी में बैठना चाहते हैं या फिर कोई भी गाड़ी यहाँ पर जा रही है तो उसे रोकना चाहते हैं और उस गाड़ी के अंदर बैठना चाहते हैं, तो सिंपली आपको गाड़ी के आके खड़े हो जाना है तो वो बंदा गाड़ी को रोक लेगा। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें तो दो बंदे हैं और साथ ही शायद पुलिस भी आ सकती है, इसलिए ऑलरेडी हमने गाड़ी लूटी हुई है इसलिए दोस्तों हम गाड़ी को नहीं लूटेंगे। तो आपको क्या करना है कि सिंपली F की को प्रेस करना है। जैसे ही आप F की को प्रेस करेंगे तो बंदा गाड़ी का दरवाज़ा खोल के गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी आ चुकी है और गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं, कार के अंदर। ये है दोस्तों लैम्बोर्गिनी। अब दोस्तों इसको चलाना कैसे है वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको चलाना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि दोस्तों अगर आप गाड़ी को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको W की है उसे आपको प्रेस करना है, जिससे आपकी गाड़ी आगे जाएगी। अगर आप इस गाड़ी को पीछे लाना चाहते हैं तो S की को प्रेस कीजिए, तो आपकी जो ये गाड़ी है वो पीछे आएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप लेफ्ट में मुड़ना चाहते हैं, लेफ्ट में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को सिंपली W की को प्रेस करना है, फिर साथ में A को प्रेस करना है, जिससे आप इस तरह से साइड में जा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग राइट में जाना चाहते हैं तो राइट में जाना भी बहुत ही ईजी है, गाड़ी हमने ठोक दी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि राइट में जाने के लिए W की को प्रेस करते हुए D को प्रेस करना है, जिससे आप लोग देखेंगे कि आपकी गाड़ी जो है वो राइट में चलने लग जाएगी। तो है ना दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका गाड़ी को चलाने का। अब दोस्तों अगर आप गाड़ी से नीचे उतरना चाहते हैं तो सिंपली आपको फिर से जो F की है उसे प्रेस कीजिए और आप गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा उस साइड बैठा हुआ था लेकिन वहाँ पे दीवार आ गई तो इस साइड से निकल गया।
तो आप फिर से बैठना चाहते हैं तो F की को प्रेस कीजिए और गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप गाड़ी के अंदर रेडियो चलाना चाहते हैं तो सिंपली आपको ये वाला जो Q की है, Q W के पास जो Q मिल जाएगा उसे आपको प्रेस करना है एक बार और आपका जो रेडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे आपको रेडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको क्यू को होल्ड करके रखना है तो आप कोई भी रेडियो को यहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमें कोई भी रेडियो नहीं चलाना है तो इसको हम बंद कर देते हैं बंद। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इसमें रेडियो भी चला सकते हैं। अब बात रही दोस्तों अगर आप लोग इसका जो सिनेमेटिक शॉट है वो देखना चाहते हैं, सिनेमेटिक व्यू गाड़ी का, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आप लोगों को जो आर की है उसे क्लिक करना है तो आप लोग देखेंगे कि ये जो सिनेमेटिक शॉट है वो चालू हो जाएगा। और इसकी मदद से दोस्तों आप एक अच्छा सिनेमेटिक शॉट ले सकते हैं। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो इससे अच्छा स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप सिनेमेटिक शॉट आर की मदद से। अगर दोस्तों आप इसे निकालना चाहते हैं तो फिर से आपको आर की को प्रेस करना है तो सिनेमेटिक शॉट निकल जाएगा। अब दोस्तों बात करें और भी चीज़ों के बारे में, अगर आप इसमें हॉर्न बजाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो कोई भी बंदा बीच में आ रहा है तो आपको हॉर्न तो बजाना पड़ेगा ही, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि ई की को प्रेस करना है। जैसे कि मैं ई की को प्रेस कर रहा हूँ तो आप लोग देखिए हॉर्न बजेगा। शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा हो तो वो बज रहा है, आप लोगों ने देखा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैप देखने को मिल रहा होगा इस साइड में, नीचे आप देख सकते हैं। अगर आप इस मैप को छोटा करके देखना चाहते हैं कि कहाँ पे आपको जाना है तो आपको सिंपली जेड की को प्रेस करना है। जेड की को प्रेस करेंगे तो ये मैप छोटा हो जाएगा और आप और भी एरिया को देख पाएंगे, तो आपको सिंपली जेड की को प्रेस करना है इसको करने के लिए। अगर आप लोग इसमें चीट्स का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई चीट कोड है तो उसे यूज़ लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कीबोर्ड में टैब की के ऊपर एक की मिल जाएगी जिसका नाम मुझे नहीं आता है, उस की को आपको प्रेस करना है तो आपके सामने आ जाएगा चीट कोड लगाने का ऑप्शन। तो यहाँ पर चीट कोड लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है तो हम कर देते हैं ये सी को क्लिक, यानी कि इसको निकाल देते हैं। अब बात करें दोस्तों अगर आप इसमें किसी भी करेक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको बाहर पहले तो हम आ जाते हैं और आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट अल्ट की है होल्ड करके रखना है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप करेक्टर चेंज कर सकते हैं, अगर करेक्टर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे कि माइकल और ये फ्रैंकली है, तो अभी हमें फ्रैंकली को रखना है, हमारे पास और भी कोई करेक्टर नहीं है अभी फिलहाल। तो आप अपने माउस की मदद से अल्ट को प्रेस करके रखना है और माउस की मदद से आप अपना करेक्टर चुन सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही सिंपल सा काम करेक्टर को चुनने का। और दोस्तों अभी शाम हो गई, आप लोग देख सकते हैं कि अभी अंधेरा भी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आपको गाड़ी के पास जाना है और स्पेस बार को क्लिक करना है, जो बड़ा बटन आता है कीबोर्ड में, तो आप गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे और जंप भी कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल के तरीके, बहुत ही कमाल का कंट्रोल जिसकी मदद से आप GTA 5 को खेल सकते हैं। अगर आप लोग इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों हमने पार्ट 2 में कवर की, तो आप लोगों को शायद ज़रूर पसंद आई होगी। अब दोस्तों बात करें एक और चीज़ की, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और आप पीछे का व्यू देखना चाहते हैं तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि आपके कीबोर्ड में जो सी की है उसे आपको एक बार प्रेस करना है। जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, आप सी की को प्रेस करेंगे तो हम आप पीछे का जो व्यू है उसे देख पाएंगे। और ये तरीका दोस्तों गाड़ी के अंदर भी नहीं बाहर भी काम करता है, जैसे कि अगर आप चलते जा रहे हैं तो अगर आप पीछे का व्यू देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं चलते चलते भी, केवल आपको सी की को प्रेस करना है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की कीस जिसका यूज़ करके आप GTA 5 को आसानी से खेल सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों ये कंट्रोल्स और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप में से कौन कौन इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी इसका पार्ट 3 आए उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने वीडियो को तो देख लिया होगा पूरा लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। सब्सक्राइब करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि जब भी कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वो वीडियो आपके काम की हुई तो आपके बहुत ही काम आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो पे मैं 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ, 500 लाइक्स का, जो मेरे ख्याल से मेरे सभी भाई लोग जरूर कर देंगे। कर देना, आपका ही भाई हूँ, 500 लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई बड़ी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और थोड़ा सा दोस्तों हम गेम प्ले भी देख लेते हैं।